अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा, गंगा यात्रा में शामिल सूबे के मुखिया। गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर लगाए आस्था की डुबकी, संगम नोच पर पतंगबाजी का लुत्फ उठाते दिखे मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीते कल से ही प्रयागराज संगम नगरी में थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा गंगा यात्रा में शामिल होना था, जहां बीती शाम को गंगा यात्रा में शामिल होने के बाद प्रयागराज के संगम तट पहुंचे। वहां पर उन्होंने साधु संतों के शिविरों में जाकर उनसे मुलाकात कर व संगम तट पर विधि विधान से माँ गंगा की पूजा व गंगा आरती की। रात्रि विश्राम के लिए सूबे के मुखिया सर्किट हाउस में ठहरे, फिर सुबह पुनः गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के संगम तक पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने आस्था की डुबकी लगाई और पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। प्रयागराज में माघ मेले के दौरान मुख्यमंत्री का आगमन आकर्षण का केंद्र बना रहा। सुरक्षा के मद्देनजर माघ मेला क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये देखिए, ये मेले का तीसरा सबसे बड़ा स्नान है वसंत पंचमी का, और आज भी लगातार कल से ही बल्कि स्नान चल रहा है, क्योंकि तिथियां ऐसी थी कि कल से ही तिथि लग गई थी वसंत पंचमी की, और आज ये लगभग 11:30 बजे तक की तिथि है, लेकिन लोग आ रहे हैं स्नान करके जा रहे हैं। और जो व्यवस्थाएँ, जैसे हमने मौनी अमावस्या को, जो हमारा सबसे बड़ा स्नान था, वहाँ पर हमने फायर ब्रिगेड की जिस तरह से व्यवस्था की थी, जल पुलिस की, फ्लड कंपनी की, हमारी SDRF की टीमें, हमारी आप देख रहे होंगे कि ATS की टीमें जो कमांडो थे, वो सारे लोग सिविल पुलिस के, DAC के, और जो हमारे और भी स्पेशल फोर्सेज हैं, IG की, LIU की, स्पेशल ब्रांच की, सारी लगी हैं, और जो हमारा वॉच टावर है, सब कुछ जैसा हमने मौनी अमावस्या का प्रबंध किया था, वो सारे हमारे प्रबंध हैं। और अनुमान ये है हम लोगों की 70 लाख लोग कल से आज तक स्नान करेंगे, तो भीड़ बढ़ रही है शहर से और अगल बगल से लोग आ रहे हैं, तो भी मेला अच्छा चल रहा है, तो सभी लोग सुव्यवस्थित रूप से सकुशल स्नान करके वापस जा रहे हैं।